केरल के वायनाड में राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा भी नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। आपको सबसे पहले तो शुभकामना आपकी इस लड़ाई के लिए, और सवाल सबके मन में, देश में खासतौर पर यह है कि सीपीआई जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आप लोग स्टेज शेयर करते हैं राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ देश के बाकी हिस्से में, तो यहां पर यह कैसी लड़ाई है? क्या ये एक फ्रेंडली फाइट है? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद अ करेक्शन. I am not a CPI candidate. I am the candidate for the Left Democratic Front, in which CPI is also part. This is number one. Number two, Left Front has announced all its candidates, all the 20 candidates of Kerala, much before the election schedule is announced. And we all have started our campaign, election campaign. I am here in this constituency for more than 1 month and interacting with all sections of people, whether it is plantation workers, whether it is any factory workers, whether it is hospital workers, whether it is college, interacting with the students and farmers, women, all sections across the constituency I have interacted. And what I understand is that people are really disappointed with the fact that even the name of this constituency, Wayanad, is in 5 years' time, this four-letter name is not even once as taken by Rahul Gandhi in Parliament. So they are disappointed because they are all facing lot of problems. मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ा हिंदी में जवाब दें. आप ये कह रही हैं कि friendly fight नहीं है, ये friendly fight नहीं है, ये दोस्ताना मुकाबला नहीं है, आप ये कह रही हैं. मैं वामपंथी दल का उम्मीदवार हूँ. यदि मैं वामपंथी पार्टियां मुझे इधर उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है तो कंटेस्ट करने के लिए, जीतने के लिए है. और हम ओके आप दिस इज लाइव मैम. जस्ट नो कलेक्टर इज रेडी, कलेक्टर इज रेडी. अच्छा, फाइलिंग द नॉमिनेशन. सर लाइव. Yes, ma'am. Just ma'am, two minutes. MP साहब, संतोष जी 2 मिनट, just 2 मिनट दे दीजिए. Just 2 मिनट, ma'am. Just जल्दी कर लेंगे. फिर से कर, मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलेगा शॉर्ट. चलिए. हिंदी जानने वाला वोटर कोई नहीं है. वायनाड में राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं सीपीआई यानी कि एलडीएफ की उम्मीदवार एनी राजा. मैम, सीपीआई और वामपंथी दल इंडिया अलायंस में शामिल हैं, राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करते हैं. लोगों के मन में यह सवाल है, खासतौर पे केरल के बाहर, कि क्या ये एक फ्रेंडली फाइट है, क्या ये एक दोस्ताना मुकाबला है? ये वामपंथी दल का उम्मीदवार के रूप में वामपंथी दल मुझे इधर खड़ा किया है एज ए कैंडिडेट, उम्मीदवार के तौर पे, तो ये इधर कोई टूरिज्म के लिए भेजा नहीं है और इधर टाइम पास के लिए भेजा नहीं है, इधर पॉलिटिकल फाइट कंटेस्ट करके जीतने के लिए भेजा है. तो वो जीतने के लिए क्या क्या करना है वो मैं कर रही है.